बिचेस पालिका बजा। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो एक जगह है जिसका नाम हमेशा आता है जब भी हम दिल्ली का नाम लेते हैं, वो है सीपी, कनॉट प्लेस। सो मैं आज कनॉट प्लेस की ऐसी मार्केट आपको करवाने वाला हूँ एक्सप्लोर, जो बहुत फेमस है, विच इज पालिका बाजार। सो गाइज, मैं आप बनाने वाला हूँ प्रॉपर मैन की अलग, वुमेन की अलग सीरीज, जिसमें कि आपको दिखाऊंगा पालिका की और दूसरी भी सीपी की मार्केट, जिसमें मैन के लिए क्या कलेक्शन अवेलेबल है, वुमेन के लिए क्या अवेलेबल है, दोनों के लिए लाइक क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या प्राइसिंग होती है, वो सब। सो व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, ये वीडियो होने वाली है, आगे भी आने वाली है इसकी। सो मेक श्योर यू वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट, एंड डू वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड। सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आगे जो भी वीडियो डालूं आपको पता लगे। सो गाइज, मैं जा रहा हूँ मेट्रो से, एंड अगर आप भी मेट्रो से जाना चाहते हो तो आपको जाना है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो है ब्लू लाइन पे, एंड देन एग्जिट लेना है एफ ब्लॉक वाले 5 और 6 गेट से। जब आप इस रास्ते पे जाओगे तो आगे जाके 5 का लगा हो जाता है रास्ता, 6 का लगा हो जाता है, आपको 6 से एग्जिट लेनी है। सो जैसे ही आप एस्केलेटर से उतरेंगे आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा पालिका बाजार का गेट नंबर 1, यहीं से हम एंट्री लेने वाले हैं पालिका बाजार में। तो गाइस, जैसे ही आप एंट्री लोगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे पूरा बेसमेंट में ये मार्केट है, एंड मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले जो हम शॉप पे आए हुए हैं A16, एंड यहाँ पे जूट या फिर कपड़ा जो भी क्वालिटी होती है, इसके बैग्स कपड़े वगैरह सब कुछ इसी की कलेक्शन थी। शॉर्ट कुर्ते थे, ठीक है, बैक पैक थे जो मेरे पास ऑलरेडी है, बहुत क्लासी लगता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। उसके अलावा थे लोअर। अब मैं आपको बेस्ट पार्ट बताऊँ, बिल्कुल सेम लोअर एंड कुर्ते भी थे, आप इसको सेट पेयर भी कर सकते हो। कॉर्ड्स की बहुत अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पे, कॉर्ड्स ही बोलते हैं ना यार। उसके अलावा मैंने यहाँ लोअर्स देखे, लोअर्स बहुत क्लासी थे, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी क्वालिटी थे। उसके बाद मैंने यहाँ ट्राउजर्स देखी, ये बहुत आजकल फैशन में इन भी है। जो नेक्स्ट शॉप पे मैं आया 102, एंड यहाँ पे मुझे जो लाइक स्लीपर शूज़ वगैरह की कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। बाय द वे गाइस, लोअर टी शर्ट्स वगैरह सब शॉप पे बहुत सिमिलर थी, तो मैं आपको कुछ शॉप्स का ही दिखा रहा हूँ। पूरी मार्केट में सिमिलर आपको वैरायटी मिल जाती है, तो मैं आपको बार बार नहीं दिखा रहा, मैं आपको जो भी डिफरेंट होगा वो सब दिखा रहा हूँ। जो नेक्स्ट शॉप थी वो थी 188, एंड इसका ये जो ट्राउज़र था बहुत क्लासी था यार, बहुत क्लासी, एंड इसकी कलेक्शन अच्छी थी शॉप की। नेक्स्ट शॉप है 181, इसकी बहुत अच्छी शर्ट्स की कलेक्शन लगी, टी शर्ट्स की, एंड बहुत अच्छी थी, 150 रुपीज़ में मिल रही थी ये वाली, देखो यार प्रॉपर ये वाली कलेक्शन, बहुत कॉटन की, गर्मी के लिए बेस्ट थी यार। गाइस, पालिका बाजार ना बहुत बड़ा है, नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप खोना, क्योंकि मैं खुद खो जाता हूँ यार, इतनी बड़ी मार्केट है। नेक्स्ट शॉप ये वाली है, एंड इसके अंदर बहुत ब्लिंक वाले कपड़े अगर आपको पसंद है ना वो मिलते हैं। इसके बाद इस शॉप में ना मुझे लाइक शॉर्ट्स की बहुत अच्छी कलेक्शन लगी, थोड़ी सी लाइक देखो प्राइस में ज़्यादा थी, 400 की थी, वैसे 250-300 की मिल जाती हैं, बट कलेक्शन बहुत प्रिंटेड थी, जैसे ये मिकी वाली थी, एंड बहुत लाइक ट्रेंडी सी थी। प्लेन शर्ट्स भी हैं और प्रिंटेड शर्ट्स भी हैं, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, यहाँ पे भी बहुत अफोर्डेबल मिल जाती हैं। उसके बाद मैं एसेसरीज पे आया, तो यार देखो यार कितनी रिंग्स हैं, लाइक कितनी रिंग्स, हर तरीके की रिंग्स हैं यहाँ, और ब्लॉगर्स के लिए तो ये जैकपॉट है प्रॉपर। एंड ये शॉप थी 1 नंबर शॉप के जस्ट साथ में, टैटू शॉप करके कुछ था इसका ऊपर नाम, एंड यहाँ पे रिंग्स थी, आपके पियर्स है तो पियर्सिंग के लिए था। उसके अलावा नेक चेन्स की वैरायटी देखोगे अनलिमिटेड थी, देखो यार ये देखो। एंड यहाँ पे ना गाइस बहुत ट्राउजर्स हैं, आपको ट्राउजर चाहिए ना तो ये बहुत अच्छी जगह है आपके लिए। ट्राउजर्स के बाद ये जो मैं शॉप पे आया हूँ, ये यार बहुत अच्छी कलेक्शन थी, और सारी डेनिम जैकेट्स थी, फुल हाफ दोनों थी, एंड बहुत अमेजिंग कलेक्शन थी, मैं बता रहा हूँ मेरी। अगर डेनिम पर्सनली मुझे भी लेनी होगी ना, अगर मुझे कोई ब्रांड नहीं लेना होगा तो मैं यहाँ आऊँगा, बहुत अच्छी कलेक्शन थी भाई, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। मैं बस ये बोलूँगा, अगर आपको डेनिम जैकेट लेनी है ना, विजिट दिस शॉप। सो गाइस, एक तो होती है लेपर्ड प्रिंट्स वगैरह जो वैसे प्रिंट होते हैं, एक होते हैं जो ऐसे वाले प्रिंट होते हैं, ये भी सारे अवेलेबल थे। कोट सेट ही बोलते हैं ना यार, तो वाले सेट्स में भी अवेलेबल थे। टी शर्ट्स बहुत अच्छी कलेक्शन थी इस मार्केट में, ट्राउजर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, जीन्स की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, बट मैं आपको इस मार्केट का बता दूँ बहुत बार्गेन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये शर्ट कह रहे हैं 700-800 की, तो आपको वो दे देंगे 300-350 की अराउंड, इतना लाइक अब आइडिया ले लेना अपने, इसके हिसाब से बार्गेन कर लेना। एंड बहुत बड़ी मार्केट है यार, खो जाते हैं लिटरली, तो शॉप नंबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। पूरी मार्केट में सब वैरायटी अवेलेबल है,
बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लग रही है मेरी वीडियो में तो उस शॉप पे पर्टिकुलर विजिट करके भी वो चीज़ देख सकते हो। ये कोट सेट थे, ये 400 से 500 के बीच में आपको मिल जाएंगे। बैग्स वगैरह की बहुत वैरायटी है। सो गाइस, बेसमेंट पालिका बाजार में मैंने आपको दिखाया एक्सक्लूसिव चीज़ें, लाइक रिपीटेड नहीं दिखाई हैं, बट मैं आपको एक बार ऊपर वाली मार्केट के बारे में भी बता देता हूँ। सो गाइस, आप जैसे ही पालिका बाजार के गेट नंबर 1 से बाहर आओगे, आप लेफ्ट साइड पे मुड़ोगे तो यहाँ पे भी प्रॉपर रोड पे मार्केट है एंड यहाँ पे सारे मेंस क्लोथिंग मिलती है। देखो यहाँ पे भी बहुत डिसेंट कपड़े हैं, बहुत डिसेंट वैरायटी है। पालिका बाजार से आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, बट प्राइसिंग लगभग दोनों की सेम है, तो आप यहाँ पे भी ऊपर चेक कर सकते हो फॉर श्योर वैरायटी। सो यार, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। आपको मैंने ओवरऑल कलेक्शन दिखा दी है, बट मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जाने से पहले।